प्रोजेक्ट केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ ऑफ एन एमएससी स्टूडेंट एट डीयू। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स का जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये चैनल देखा है कि हु आर यू टू टेल अबाउट डीयू। तो बता देती हूँ, मेरी एमएससी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है डीयू से, फ्रॉम किरोलमन कॉलेज। 2018 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई है। तो अभी मुझे बता रहे हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आप जानना चाहो। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, अभी डिटेल में एक चीज बताती हूँ आपको। तो सबसे पहली बात तो ये आती है डीयू इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद एडमिशन कैसे होगा, मैं एमएससी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो एमएससी में एडमिशन किस तरह से हम ले सकते हैं, तो एडमिशन में बेसिकली दो प्रोसीजर होते हैं, मतलब दो तरीके हो सकते हैं एडमिशन लेने के। एक तो होता है मेरिट सिस्टम, एक होता है थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मेरिट के थ्रू जो एडमिशन होते हैं, मेरिट इज बेसिकली फॉर डीयू स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी जो है वो डीयू से कर रखी है, डीयू के किसी कॉलेज से कर रखी है, तो उनके लिए होता है मेरिट सिस्टम, और बाकी एंट्रेंस सबके लिए होता है। लेकिन अब बात ऐसी होती है कि जैसे इफ आई टेल यू अबाउट माय एडमिशन, तो अभी जैसे मैं 2018 में कंप्लीट हुई है एमएससी, तो मेरा एडमिशन हुआ था 2016 में, है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि 270 सीट्स थी, टोटल 270 सीट्स थी, जिसमें से क्या होता है कि ऐसा था कि 70 सीट्स जो है, मैं जनरल की बात करी हूं, 70 सीट्स जो है जनरल के लिए, इन टोटल 140 सीट्स थी, जिसमें से 70 सीट्स मेरिट बेस्ड पे होती है और 70 होती है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो जो डीयू वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, आपको किस तरह से मतलब एडमिशन लेना चाहते हो आप, थ्रू एंट्रेंस, थ्रू मेरिट और थ्रू बोथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो डीयू से है उन सबके लिए बेटर ये होता है कि वो बोथ वाला ऑप्शन चूज करें, ताकि हो सकता है कई बार कि आपके मार्क्स जो आपकी परसेंटेज रहती है बीएससी की, उसके थ्रू आपको मिलता है मेरिट में। तो ऐसा है कि बहुत सारे कॉलेज हैं डीयू के तो 70 सीट्स हैं सिर्फ, तो ये हो सकता है कि आपके मार्क्स उससे कम ज्यादा पड़ जाएं। जैसे मेरे मार्क्स जो थे 86.4 थे, मेरा एग्रीगेट जो था बीएससी का, तो मुझे मेरिट के थ्रू मिल गया था, बट मैंने एंट्रेंस भी दिया था। तो ऐसा होता है, तो इसलिए डीयू के लिए ये ऑप्शन होता है, डीयू वाले स्टूडेंट्स के लिए दोनों से वो फिल करें, और फिर अगर उनका मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो फर्स्ट कट ऑफ में उनका मेरिट के थ्रू हो जाएगा। अगर मेरिट के थ्रू इनकेस नहीं हो पाता है, जैसे उस टाइम के लिए जो 84% पे खत्म हो गई थी, मतलब मेरिट के लास्ट जो 84% वाले का एडमिशन हुआ था मेरिट के थ्रू, उसके बाद नहीं हुआ था, तो इस तरह का मैं आपको उस टाइम का बता रही हूँ। तो इसी तरह से होता है। तो अब क्या हुआ, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो जितनी भी सीट्स होती हैं, सीट्स ऑलमोस्ट नहीं होती है, 270 सीट्स ही रहती है, थोड़ी वो 10-15 ऊपर नीचे होती है, आई गेस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट 270 सीट्स होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, चलो एंट्रेंस तो हो गया, रिजल्ट आ गया, रैंक आ गई, अब क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो है डीयू की, वहां पर ना एक लिंक एक्टिव होता है। लिंक में क्या करना होता है, आपको ना कॉलेज की प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कौन सा कॉलेज चाहते हो अपने लिए, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो आप ना आई गेस 5 प्रेफरेंसेस के ऑप्शन आते हैं, वहां पर आपको कॉलेज की प्रेफरेंस डालनी होती है कि इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। अभी मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको ना, क्योंकि अभी मैंने देखा था बहुत बच्चों के मैसेज आते थे, मैम कॉलेज कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कॉलेज देखो, सारे जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है वही उन्हीं में होती है सिर्फ एमएससी, है ना। तो सारे ही कैंपस के कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस के, साउथ कैंपस के कुछ कॉलेज जैसे कि वेंटी कॉलेज हो गया, वो भी बहुत ही अच्छा है ना। तो वहां का ऐसे कुछ क्वेश्चन, ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं। तो अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं, जो कुछ मैं गिनवा सकती हूँ आपको जहां से एमएससी होती है, तो उनमें सेंट स्टीफन्स, हंसराज, हिंदू, किरोलमल, रामजस, मिरांडा एंड वेंकी और जाकिर हुसैन, ये बात तो मुझे याद आ रहा है, एक दो कॉलेज और होगा। तो यहाँ से एमएससी का ऑप्शन होता है, आपको क्या करना होता है, इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस ऑर्डर्स में लिखना होता है वहां पर। तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देना चाहूंगी एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है वहां पे किस तरह का क्या सीन है। तो ऐसा होता है, देखो अब ना हमारे मन में ये रहता है कि सेंट स्टीफन इज अ वेरी गुड कॉलेज, नो डाउट सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, लेकिन एक बात शायद स्टूडेंट को तब पता नहीं होती है कि जो क्लासेस होती है ना वो आपके कॉलेज में नहीं होती। आपका कॉलेज चाहे आपको जो मर्जी मिले, वो सिर्फ आपको मतलब जो ऑफिस वर्क होता है ना, जहां पे आपको फीस सबमिट करनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, उन सब चीजों के लिए आपको कॉलेज होता है। बाकी जो क्लासेस आपकी होती है, जो लैब्स होती है, वो सारे कहां पर होती है, साइंस फैकल्टी में। उसके बारे में बाद में बताऊंगी, उससे पहले देखते हैं कॉलेज को किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो जब क्लासेस एक साथ ही लगनी है सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की, तो क्या मैटर करेगा, मैटर करेगा उस कॉलेज की फीस कितनी है, क्योंकि जो फी आप पे करते हो, आपको क्या करना होता है, सेमेस्टर वाइज ईयरली बेसिस आपको पे करनी होती है। जैसे 2 साल की होती है एमएससी, तो फर्स्ट ईयर के लिए आप पे करोगे, उसके बाद सेकंड ईयर के लिए आपको पे करना होता है। तो फीस जो होती है सारे कॉलेजेस की अलग अलग होती है। अब क्या था, अगर मैं उस टाइम की बताती हूँ, अभी तो फी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, सभी कॉलेज की इंक्रीज हुई है, बट मैं अगर आपको उस टाइम का बताऊं, तो मैंने किरोलमल कॉलेज से करी है, तो वहां पर ना 11,000 के अराउंड, 10-11,000 के अराउंड मेरी फी थी पर ईयर,
ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आई गेस मैंने 11,000 सबमिट करे थे, तो ऐसी फी रहती है। लेकिन बाकी जो कॉलेजेस हैं उन सबकी फी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, सबकी इन बिटवीन 15 to 25 ऐसे कुछ रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे सेंट स्टीफन्स कॉलेज, उसकी फीस बहुत ज्यादा है, 35,000 है पर ईयर। तो देखो आप डिफरेंस कहां पर आ रहे हैं कि किरोड़ीमल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स पे कर रहे हैं 11,000 पर ईयर, सेंट स्टीफन्स वाले पे कर रहे हैं 35,000 पर ईयर। डिफरेंस कितना है, सिर्फ जो डिग्री पे कॉलेज का नाम लिखा होगा सिर्फ उतना, और डिग्री में ही मार्कशीट पे आपके कॉलेज का नाम लिखा होगा, डिग्री पे तो सिर्फ डीयू लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी क्या रहता है, तो ऐसे आप चूज कर सकते हो कि फीस के अकॉर्डिंग कॉलेज को सेलेक्ट कर लो, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, क्लासेस तो सबकी साथ में लगनी है। तो अभी कॉलेज सेलेक्ट हो गया, अभी बात करते हैं क्लासेस कहां पर होती है। तो डीयू में क्या है, एक साइंस फैकल्टी है, जैसे लॉ फैकल्टी है ऐसे ही साइंस फैकल्टी है। तो साइंस फैकल्टी में क्या होता है, साइंस फैकल्टी बेसिकली बिल्डिंग्स है बहुत सारी, वहां पर क्या होता है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। अब साइंस फैकल्टी में क्या होगा, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ये सबकी अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग अपना एरिया अलोटेड है सबको, तो वहां पर होती है क्लासेस। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 270 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, जिसमें से जनरल की जो टोटल सीट्स थी उस टाइम पे 140 थी। तो अभी बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए सीट्स बची है, वो बाकी 270 माइनस 140 कर लेना, वो सब रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, जिसमें से मेरिट और एंट्रेंस वाली दोनों मिक्स है। तो अभी ये हो गया, एडमिशन हो गया। तो अभी आपकी क्लासेस कैसे लगेंगी, बेसिकली करेंगे वो ये, आपके मार्क्स वार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उनको रैंडमली शफल कर देते हैं। रैंडमली मतलब क्या होगा, किसी भी जो भी कैसे भी करता है रैंडमली आपको किसी किसी ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जितने भी टोटल कैंडिडेट्स आए हैं, जितने स्टूडेंट्स आए हैं, उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वली 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रैंडम होता है, किसी आपको रैंक से फर्क नहीं पड़ता, आपके मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके आपको ना किसी भी ग्रुप, आपको कोई भी ग्रुप मिल सकता है, मुझे ग्रुप 1 मिला था, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका मार्क्स अच्छे है तो आपको ग्रुप 1 मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी बेसिस पर फिर रैंडमली क्या करते हैं, शफल कर देते हैं, 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, 6 ग्रुप्स बन गया अलग अलग। आपको क्या होता है, वहां पे ना जो बुलेटिन बोर्ड होते हैं वहां पे लग जाते हैं लिस्ट पूरी, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6 की लग गई। उसके बाद क्या होता है, जो ग्रुप 1 और 2 है उनकी क्लासेस साथ में होंगी, ग्रुप 3, 4 की एक साथ होंगी, 5, 6 की एक साथ होंगी। तो अभी लेक्चर हॉल होते हैं बहुत बड़े बड़े, मैं पिक्स आप देख सकते हैं, पिक्चर्स जो है फोटोज लगाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छा आइडिया मिलता रहे। तो लेक्चर हॉल होते हैं वहां पर क्लासेस होती हैं। अब जैसे मेरा ग्रुप 1 था तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की क्लासेस एक साथ होती थी, तो इनके लिए टीचर्स अलग से अलॉटेड थे। 3, 4 की क्लासेस अलग से होती थी, उनके लिए अलग से टीचर्स अलॉटेड थे, ऐसे ही 5, 6 के लिए अलग से टीचर्स थे। तो बेसिकली ऐसा लगा लो कि सेक्शंस बन गए हैं फर्दर। देखिए क्लासेस जो होंगी वहीं पर होंगी, साइंस फैकल्टी में जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसी में लेक्चर हॉल्स हैं, वहीं पर लैब्स हैं, वहां पर आपको सब कुछ अलॉट किया जाएगा। अब जैसे क्लासेस हुई आपके 1, 2 की एक साथ, 1, 2 की एक साथ, 3, 4 की एक साथ, 5, 6 की एक साथ, लेकिन लैब्स में ऐसा नहीं होता है। जो लैब होगी वो ग्रुप 1 की एक साथ होगी, ग्रुप 2 की एक साथ होगी, मतलब अलग अलग। आपको जैसे मंडे को सपोज करो ग्रुप 1 की लैब है, आपको एक पर्टिकुलर लैब अलॉट हो जाएगी, वहां पर होगी। ग्रुप 2 की मान लो ट्यूसडे को है, इस तरह से होती है लैब बहुत सारे डिपार्टमेंट में, तो इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये वाली तो बात नहीं। उसके बाद क्या बचा, हॉस्टल। अब मैं सिलेबस आपको बताऊं, उससे पहले भाई हॉस्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो हॉस्टल का ऐसा रहता है कि जैसे ही आपका ये जून जुलाई में चल रहा होता है एडमिशन प्रोसीजर, तो उसके बाद क्या होता है, आपको ना हॉस्टल्स के लिए भी, अगर आपको हॉस्टल चाहिए होता है तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं वहां पे, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल्स हैं। तो उनके लिए आपको क्या करना होता है, अलग अलग हॉस्टल्स में अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म्स फिल करने होते हैं। उसके बाद आती है वहां पे कट ऑफ, यस हॉस्टल के लिए भी कट ऑफ आती है, जो आपकी रैंक आई है एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आपका एडमिशन हुआ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे तो आपकी जो रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग, और अगर आपका मेरिट बेस्ड पे हुआ तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ आती हैं, और कट ऑफ के बाद आपको हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। तो जिनके अच्छी परसेंटेज होती है, ऐसे मतलब जितनी भी सीट्स होती हैं वहां पे हॉस्टल, उसके हिसाब से आपको हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और, क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहती थी, मैंने अपने फ्रेंड से ही पता किया ये सब। तो ऐसा है कि जैसे आपका मान लो फर्स्ट ईयर के लिए आपको हॉस्टल मिल गया, अभी सेकेंड ईयर भी है, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर का आपका एग्रीगेट रहेगा फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का, तो जो एग्रीगेट है उसके लिए कट ऑफ आएंगे। आपके जितने भी मार्क्स रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में, दोनों कंबाइंड जो एग्रीगेट होगा आपका मार्क्स का, एमएससी के मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आएंगे। उसके बाद डिसाइड होगा आपको हॉस्टल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद और बच्चे जिनको मिला नहीं होता है वो अप्लाई करते हैं हॉस्टल्स के लिए। तो अगर उनके मार्क्स आपसे ज्यादा अच्छे हैं तो हो सकता है आपकी जगह पे हॉस्टल उनको मिल जाए। तो इस तरह का हॉस्टल में क्या होता है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है तो उस तरह से मिल जाता है। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, आप कहीं दूर से आए हो, अगर आपको रहे तो पीजी होते हैं वहां पे, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं बच्चे, और वैसे ही पता है आपको जीटीबी नगर बहुत पास है
है ना, तो बहुत पास है वहां पे, बहुत सारे मतलब पीजी होते हैं, फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वहां पे रह सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद जो क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया, तो भाई सिलेबस डिस्कस करना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम जा रहा है वहां पर उसको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सिलेबस किस तरह से होता है। तो देखो ऐसा होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका रहेगा उसमें आपके तीन पेपर होंगे, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक में जो सिलेबस रहता है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको पढ़ाया जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री और सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और आपको पढ़ाया जाएगा फिजिकल में क्वांटम केमिस्ट्री। तो इस तीनों में क्या होंगे, अलग अलग पेपर होंगे। ऐसे नहीं, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड सेमेस्टर की, तो आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा ग्रुप थियरी एंड केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ग्रुप एलिमेंट्स, और ऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, और फिजिकल में आपको पढ़ाया जाएगा स्टेटिस्टिकल, जिसमें स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, इस तरह के आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हाँ, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में आओगे तो वहां पर क्या होता है, अब आपको चूज करना होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या, जैसे जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी आपको पसंद आता है उसमें से आपको चूज करना होता है। तो जैसे भी होगा अभी, अब इसके लिए भी ना थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। जैसे आपका लास्ट एग्जाम होगा ना, सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम, उस दिन आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा जिसमें आपको टीचर्स का फीडबैक फिल करना होता है, और आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको भरनी होती है अपने कॉलेज की, मतलब जो भी आप कॉलेज और कॉलेज, अपने प्रेफरेंसेज ऑफ योर स्पेशलाइजेशन आपको फिल करनी होती है, तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक को आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सीक्वेंस में लगा देना है। अभी क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन मिलता कैसे है, तो देखो ऐसे है 270 स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी क्या होना है, इनऑर्गेनिक के अलग, फिजिकल के अलग, ऑर्गेनिक के अलग, तो अभी क्या करना है, वो इक्वली डिवाइड कर दे 90 90 90, उनको तीनों ग्रुप्स में रखने हैं, इनऑर्गेनिक में 90, ऑर्गेनिक में 90, फिजिकल में 90। वो ऐसे नहीं करेंगे कि फिजिकल में 20 स्टूडेंट्स हैं और इनऑर्गेनिक में 200 चले गए, ऐसा नहीं होगा कभी भी, तीनों में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो अभी क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं सबका स्पेशलाइजेशन का प्रेफरेंस अलग अलग होता है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि चेक करते हैं कि ज्यादा इस टाइम पे जो डिमांड है वो किस चीज की है। जैसे जनरली ये होता है, मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। उसका रीजन, डीयू के बच्चों से पूछोगे ना तो रीजन कुछ ऐसा सा होता है कि देखो अगर ऑर्गेनिक लेंगे तो ऑर्गेनिक की लैब्स बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको मास्क लगाने, बहुत ज्यादा सेफ्टी के अकॉर्डिंग लैब्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं डीयू में, तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो फिजिकल वालों का ऐसा रहता है कि उनको ज्यादा काम लैब का नहीं होता है, उनको कंप्यूटर पे वर्क करना होता है मेनली, तो सारा काम का वैसे जाता है, तो ये रहता है। और ऊपर से फिजिकल का ये रहता है क्योंकि अपनी लैब ऐसी है नहीं, वहां पे एसी है, तो एसी वाली लैब सबको चाहिए होती है, और इतना ज्यादा लैब का वर्क का बर्डन नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा होता है कि फिजिकल की डिमांड ऑलमोस्ट दो दिन ज्यादा से ज्यादा रहती है वहां पर, ज्यादातर बच्चों को फिजिकल चाहिए होती है। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि जितना टाइम हम लोग बचाएंगे ना फिजिकल स्पेशलाइजेशन में, उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे अपनी कोचिंग जाने में या फिर नेटवर्क गेट की प्रिपरेशन करने में, ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक ले ली तो ऑर्गेनिक का ऐसा रहता है, बच्चों को पहले ही बहुत डर होता है कि ऑर्गेनिक की लैब्स तो भाई बहुत सीरियस होने वाली है, और टाइम तो 100% आपको देना ही पड़ेगा, तो इस तरह से होता है। अब अगर क्या होगा कि जो डिमांड है वो फिजिकल की ज्यादा हो गई है, तो अभी होगा ये कि सारे बच्चों को तो फिजिकल नहीं दे सकते, अब वो क्या करेंगे फिजिकल के लिए, मतलब आपके आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दे देना फिर, जैसे भी आपके मार्क्स आए होंगे, जैसे उन्होंने डिसाइड किया होगा कि 90 स्टूडेंट्स को ही मिलनी है फिजिकल, तो जो टॉप 90 होंगे जिन्होंने प्रेफरेंस डाली है फिजिकल, उनको मिल जाएगी फिजिकल, और बाकियों को उस वाले ग्रुप में भेजा जाएगा, मतलब या तो ऑर्गेनिक में भेजा जाएगा या फिर इनऑर्गेनिक में, जिसका सिलेक्शन, मतलब जिसमें बच्चे कम आए हैं अभी तक, तो इस तरह से होता है। तो इनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको तो मिल गया अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिनको लास्ट में जो रह जाते हैं मार्क्स थोड़े से कम ज्यादा होते हैं, तो फिर उनको अपनी पसंद फिर नहीं मिल पाते, तो इस तरह से होता है। मैंने ऑर्गेनिक डाला था, मुझे ऑर्गेनिक मिल गया था, क्योंकि ज्यादा भीड़ तो मेरे फिजिकल वाली साइड पे होती है, तो फिर ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे थे ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल डाली थी और फिर उनको ऑर्गेनिक में शिफ्ट कर दिया गया था, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये आपका स्पेशलाइजेशन हो गया, क्लासेस, सिलेबस। अच्छा हाँ, मैं सिलेबस बता रही थी आपको, तो जैसे ही मैं आपको ऑर्गेनिक का बता सकती हूँ, अभी थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, आपका स्पेशलाइजेशन हो गया ऑर्गेनिक, अभी क्या होगा आपका, अब ग्रुप नहीं है, अब सिर्फ स्पेशलाइजेशन वाले हैं। ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले बच्चों को क्या होगा, एक रूम अलॉट हो जाएगा, वहीं पर आपकी सारी क्लासेस होंगी। एक ये बहुत काम अच्छा होता है, आपको ना पता क्या लगेगा डीयू में जाके, कि पहले आपका 11 12 तक स्कूल था, बीएससी में आप कॉलेज में आए, और फिर यहाँ पे आके लगेगा एमएससी में वापस स्कूल में भेज दिए गए हो, क्योंकि आपको एक ही क्लासरूम मिलेगा, आपको पूरे दिन उसी में बैठना है, टीचर्स आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना है। जैसे मैं बीएससी में होता था कहीं कहीं चेंज करना पड़ता था, तो अभी ऐसा नहीं है, आपको एक ही रूम अलॉट होगा, आपको वहीं पर बैठना है। तो हाँ, थर्ड सेमेस्टर में जब आपका स्पेशलाइजेशन हो गया है, तो मतलब मैंने सब चूज कर लिया ऑर्गेनिक, अभी क्या होगा, उसमें मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, तो जैसे पहले तीन तीन पेपर हो रहे थे, अभी क्या होंगे, चार पेपर हो जाएंगे, जिसमें एक पेपर इनऑर्गेनिक का,
एक फिजिकल का और दो पेपर आपके स्पेशलाइजेशन के, जैसे मेरा ऑर्गेनिक है तो मेरे दो पेपर ऑर्गेनिक के, एक पेपर फिजिकल का और एक इनऑर्गेनिक का, ठीक है, इस तरह से होता है। अभी ये होगा कि जैसे मान लो आप फिजिकल वाले स्टूडेंट हो तो एक पेपर ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का और दो फिजिकल के, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अभी ना ये तीन पेपर कॉमन होते हैं इनऑर्गेनिक, ऐसे लगा लो तीन पेपर कॉमन है सब में, इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक। अब जो ये फोर्थ पेपर है ये क्या है आपका स्पेशलाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनिक के हो तो ऑर्गेनिक का पेपर हो जाएगा, ऐसे इस तरह से करके होता है। अगर आपको सिलेबस बताऊं तो ऐसा कुछ है, फिजिकल में आपको पढ़ाते हैं मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है पेरिसाइक्लिक फोटोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और क्या बचा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना होता है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड बायो इनऑर्गेनिक, तो ये आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। अभी जैसे ही आप आते हो, अच्छा फोर्थ पेपर ऑर्गेनिक मेरा स्पेशलाइजेशन था तो फोर्थ पेपर हमारा होता है ये वाला ऑर्गेनिक, एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस का। अब जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में गए हो तो सारे पेपर, जो चार पेपर ना, सारे आपके स्पेशलाइजेशन के पेपर होंगे, ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक, चारों पेपर आपके ऑर्गेनिक के, या फिर आपका अगर फिजिकल तो फिजिकल स्पेशलाइजेशन के पेपर होंगे। अब इसमें सिलेबस क्या रहता है, वही रेट्रोसिंथेसिस, टर्पिनोइड्स, स्टीरोइड्स, वाइटामिन और ये सब, जो कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपको पढ़ाते हैं लास्ट वाले में, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब हमने ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में पढ़ा है। अब मैं सिलेबस क्यों बता रही हूँ, इसलिए जब मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा आपको समझ में आएगा सिलेबस बताने का रीजन, तो अभी ये हो गया। उसके बाद लाइब्रेरी की बात आती है। अभी देखो, अब आपको लगेगा कि सारी क्लासेस तो डिपार्टमेंट में ही हो रही, तो कॉलेज क्यों अलॉट किए गए हैं, कॉलेज अलॉट किए गए हैं आपकी फीस सबमिट करने के लिए, कि आप बस एक ये है, आप जब फीस डिपॉजिट करोगे ना फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के लिए, तो आपको अपने कॉलेज के अकाउंट में फीस सबमिट करनी है, तो ये रीजन है। उसके बाद और क्या होता है, आपको आई कार्ड आपके कॉलेज का बनेगा, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, और ये उसके लाइब्रेरी कार्ड्स, आपके कॉलेज के लाइब्रेरी कार्ड्स भी बनेंगे, और आपके एक जो डिपार्टमेंट में है वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी, सीएसएल, ठीक है। तो वहां पर बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी, मुझे तो कभी ऐसी नीड नहीं पड़ी कि मैं जाके वहां से कॉलेज से बुक इश्यू करवाऊं, इस तरह का रहता था, बट हम करवाते थे। पता है क्या होता था, कभी कभी डिपार्टमेंट में देखो बुक्स तो बहुत सारी है लाइब्रेरी में, बट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे भी है, तो कई बार क्या होता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, बुक्स चली जाती है तो नहीं मिलती, तो कॉलेज जाके इश्यू करवानी पड़ती है। बट अगर मैं आपको अपना बताऊं एक्सपीरियंस पर्सनली, तो ऐसा था कि जो कॉलेज से बुक्स जितनी बार भी इशू करवाए ना फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, अब क्या था वापस से बहुत आलस आता था, क्योंकि क्लासेस तो डिपार्टमेंट में लगनी है, कॉलेज थोड़ा सा दूर है वहां से, तो टाइम निकाल के वहां तक जाना, फिर ऐसा था छोड़ो बाद में कर देंगे बाद में कर देंगे, तो जो बुक्स इशू करवाई वो सिर्फ इसलिए करवाई कि फाइन जाके भरना पड़ेगा उनके लिए, तो बस फाइन ही भरा, उसको पढ़ा पढ़ा नहीं, तो ऐसा होता है ज्यादातर बच्चे जाते भी नहीं कॉलेज बुक इशू करवाने के लिए, तो इस तरह का रहता है। उसके बाद हमारी सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी होगी। अब हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट अपनी लैब्स की। तो डीयू में लैब्स का बहुत मेजर रोल रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मेजर, मतलब आप लगा लो कि जो जैसे आईआईटीज हैं, अगर मैं आपको आईआईटी से कंपेयर करोगे, कहीं और से कंपेयर करोगे ना, जितना लैब वर्क डीयू में करते हैं आई डोंट थिंक वो कहीं पर भी करते होंगे, जितना टाइम लोगे डेली थियरी क्लासेस होती है उतना ही टाइम में लैब वर्क करना होता है, और सीरियस वाला लैब वर्क, ऐसा नहीं कि आप लैब में गए और मस्ती कर रहे हो फिर चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैब का भी आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, लैब के भी बहुत ज्यादा मेजर स्कोर रहता है। तो लैब में आपका कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन किस तरह से होगा, आपने आज काम किया है, ये सारी लैब्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बात करूं अपने ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन की, तो फिर तो ये लगा लो आपके वीक में चार दिन लैब होनी है, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, इस तरह से करके, या बीच में वेंसडे नहीं होती, थर्सडे फ्राइडे को होती है, तो आपकी वीक में चार दिन लैब होनी है, और आपको सीरियस वाला काम होना है। सीरियस वाला काम कैसे, आपको जो भी आज अलॉट हुआ है एक्सपेरिमेंट आपको सारा अच्छे से करोगे, कोई आपको सोल्यूशन बना के नहीं देगा, कोई आपको मतलब हाँ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मैं नहीं बोल रही इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, सब कुछ दिया जाता है, बट कोई आपको सोल्यूशन बना के नहीं देगा। सपोज करो आपको वन मोल एनओएच चाहिए इनऑर्गेनिक के लैब के लिए, आपको खुद से बनाने हैं सारे सोल्यूशन, आपको खुद से बनाने हैं। सारी लैब्स में ऑलमोस्ट ये होता था कि जैसे आप कंप्लीट करते हो अपना एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट जाके दिखाओ। लैब्स में क्या होता है, दो प्रोफेसर होते हैं हर लैब में, और दो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको काम को, वो पर्सनली चेक भी करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, इस तरह से करके, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बट यस काम आपको करना पड़ता है, ये वाली बात होती है। तो जिनको लैब वर्क अच्छा लगता है उनकी तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट जिनको नहीं लगता फिर उनके लिए हेडेक है, तो इस तरह का सीन भी रहता है। अभी यह है कि जैसे आप फाइल, जैसे आपका आज काम कंप्लीट हो गया, आपका रिजल्ट जो है, जैसे ऑर्गेनिक में हमारे ऐसे होता था कि आपका कुछ मान लो आप सिंथेसाइज कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपने बना लिया, क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट भी आपने बना लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया उसको,
या फिर आप क्या कर रहे हो, आपको मान लो कि हाँ जैसे हमारे पास लैब में होता था फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन होता था, वो कंपाउंड बताना है, कंपाउंड जो आपको गिवन कंपाउंड है उसको आपको बताना है कंपाउंड का नाम क्या है, अननोन कंपाउंड जो डिटेक्शन हम करते हैं वैसे वाला करना होता था, तो वो बहुत ज्यादा सीरियस होता था। अब जैसे उसके हमने डेरिवेटिव बनाए हैं तो हमारे डेरिवेटिव चेक होते थे कि दिखाओ डेरिवेटिव बना है कि नहीं बना, जो क्रूड प्रोडक्ट है वो दिखाओ, किस लेस प्रोडक्ट दिखाओ, उसके बाद अटेंडेंस मिलती थी, वरना आपका फिर वो अटेंडेंस में पंगा होता है, टीचर्स से मार्क करते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं आया है। और नेक्स्ट डे जब आप लैब में जाओगे तो आपको जो आपने आज इतना काम किया है उसको फाइल में रिपोर्ट करके लाना है नेक्स्ट डे जब आपकी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के साथ था जैसे रोल नंबर वन, तो उसके अटेंडेंस जब मार्क होगी जब वो फाइल वहां पर रखेगा, फाइल रखी अटेंडेंस मार्क होगी नेक्स्ट रोल नंबर टू थ्री फोर ऐसे करके, तो अटेंडेंस तो मिल जाएगी अगर आप गए हो तो। अगर आपने फाइल सबमिट नहीं करी तो आपको वहां पर मार्क हो जाएगा कि इसने फाइल सबमिट नहीं करी, और फिर जितने सर्कल बड़े होंगे ना रेड वाले, वो जिस दिन फाइनल इवैल्यूएशन होगा फाइनल प्रैक्टिकल वाले दिन, फिर वो सारे काउंट होंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए बोल रही हूँ कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, वो काम करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जाके हो रहे हैं कॉलेज मार्क्स के लिए ऑब्वियसली, तो मार्क्स हो जाएंगे है ना, पास भी तो होना है, फेल होंगे तो फिर होंगे, तो इस तरह से होता है कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होता है। जैसे मुझे याद है कि सेकंड सेमेस्टर में मतलब ऐसे होता था कि सर थे बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, वो मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत पसंद थे, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मतलब बात करते थे और मतलब ना पूरे एफर्ट्स डालते थे, तो उनका ये रहा, वो सिर्फ हमारी लैब में होते थे, तो उनका ये था जब आप फाइल चेक करवाओगे तो फाइल चेक करवाते ना वो वाइवा लेते थे, जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट आप लिख के लाए हो फाइल में, जो रिपोर्ट करके लाए हो, जो आपने क्रूड प्रोडक्ट दिखाया उसके बारे में वो क्वेश्चंस पूछते थे कि ये वाला कैसे हो गया, मतलब बहुत वाइवा होता था लगा लो कि हर बच्चे को पर्सनली डील करते थे लैब में, जिसकी फाइल चेक हो रही उसको बुलाएंगे, उससे 5-7 मिनट की इंटरेक्शन क्वेश्चंस पूछते थे वाइवा डेली डेली लेते थे, और वो क्या करते थे उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइल में जो है वो लगाते ग्रेड देते थे, A+ AB इस तरह से देते थे, और फिर लास्ट में उनको कुछ नहीं करना होता था, उनको पता है पूरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, इंडेक्सिंग सारे एक्सपेरिमेंट के आगे ग्रेड लगाई होती है, बस उनको देखो फाइनल प्रैक्टिकल आपको मिल गए मार्क्स, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है आपने क्या किया पूरे साल, तो इस तरह से होता है। तो लैब वर्क के लिए तो अगर आपको 10 मार्क्स 10 out of 10 हो गया, अगर आपको लैब वर्क पसंद है, तो अगर पसंद नहीं है तो भी आप यही कहोगे कि बहुत ज्यादा बर्डन है लैब का। तो लैब हो गई, लाइब्रेरी का बता दिया मैंने, इंटरनल्स। अच्छा अभी ऐसे रहता है कि जैसे आपने स्टार्ट हो गया आपका सेमेस्टर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बीच में ना इंटरनल्स होते हैं। इंटरनल्स में क्या है, जैसे आपको जो मार्क्स है ना ओवरऑल, एक पेपर है कोई भी 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हो गए, बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरनल्स प्लस योर अटेंडेंस। जी हाँ, अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं और जो इंटरनल्स है उसका भी मार्क्स आपके लगाए जाते हैं। तो इससे ऐसे रहता है, इंटरनल्स में क्या होता है, जितना आपको तब तक पढ़ाया होता है, जैसे 6 महीने का है तो 4 महीने के बाद आपके इंटरनल होंगे, 6 महीने का सेमेस्टर उसके हिसाब से, तो फिर आपके इंटरनल्स में मार्क्स जैसे भी आएंगे उस तरह से। अच्छा अभी क्या होता है, न्यू मैंने प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जो जैसे आप मान लो ग्रुप 1 में हो, जो प्रोफेसर आगे आपको पढ़ा रहे स्टीरियो केमिस्ट्री, अब क्या होता है मतलब ना जैसे आप, मैं बताया कि ऐसा लगेगा कि स्कूल में वापस आ गए, बीएससी में कॉलेज में थे, एमएससी में वापस स्कूल में आ गए, आपको नोट्स बनवाए जाएंगे क्लास में बैठा के, मतलब वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि आप नोट्स साथ साथ ले भी सकते हो, डिक्टेट भी कर देते हैं कभी कभी। तो जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था हमें, तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, नोट्स भी साथ साथ बहुत अच्छे से बनवाए गए थे, तो इस तरह से लगेगा स्कूल। तो अभी अगर बात करें हम कि इंटरनल्स का टाइमिंग क्या रहती है, मतलब किस टाइम पर होते हैं, तो अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें कि 6 मंथ्स का है हमारा सेमेस्टर, तो 3.5 and 4 मतलब 3.5 या फिर 4 मंथ्स के बाद इंटरनल्स होते हैं, तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि मिड सेम ब्रेक होता है एक, जो आपको जिसका जो टाइमिंग है वो आप ड्यू कैलेंडर से देख सकते हो। तो जो मिड सेम ब्रेक है उसके जस्ट बाद आपके इंटरनल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली 3 दिन इंटरनल्स होते हैं, और जो उसकी डेट शीट होती है आपको मेल के थ्रू मिलती है, तो ड्यू का जो मेल है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि आपका टाइम टेबल जो है वो भी मेल पे आता है, इंटरनल्स की डेट शीट मेल पे आएगी, फाइनल एग्जाम्स जब होंगे उनकी डेट शीट या फिर बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगा मतलब डिपार्टमेंट का स्टूडेंट के साथ, तो वो मेल के थ्रू ही होता है। तो ये सब हो गया, उसके बाद चलो इंटरनल्स हो गए, इंटरनल्स का भी स्कोर रहता है, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से 70 मार्क्स तो आपके जो आपने थ्योरी पढ़ी है, मतलब 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है फाइनल, जो 30 मार्क्स है इसमें आपके इंटरनल्स प्लस योर अटेंडेंस। जी हाँ, आपके अटेंडेंस का भी स्कोर है, जैसे मैंने बताया कि अटेंडेंस में भी मार्क्स होते हैं। अच्छा, तो मैं ना एक चीज और मिस कर रही हूँ, वो ये कि ना जो लास्ट सेमेस्टर होता है, जैसे आपने अपना अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया है, तो जो लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें आपका 100 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में बेसिकली करते ही है, जैसे आप जैसे मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन था, तो मैंने आपको बताया कि 4 दिन लैब्स होती है ना, तो 4 दिन में क्या है बेसिकली, इससे मंडे ट्यूजडे जो लैब है वो सेम लैब होगी, मतलब सेम प्रोफेसर उसमें होंगे, जो काम मंडे को करोगे अगर आपको छूट जाता है तो उसको आप मतलब नेक्स्ट डे ट्यूजडे को कर सकते हो। तो बेसिकली सेम लैब होते हैं मंडे ट्यूजडे एंड देन वेंसडे थर्सडे या फिर थर्सडे फ्राइडे जैसे भी,
तो जैसे मान लो इस वाली लैब की जो फर्स्ट लैब है उसमें दो प्रोफेसर हैं, दूसरी वाली लैब में भी दो प्रोफेसर हैं, टोटल हो गए आपके ऑर्गेनिक के चार प्रोफेसर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन में उनको डिवाइड कर दिया जाएगा चार प्रोफेसर में। और फिर ये होता है उसके बाद आपको फिर अपना खुद से प्रोजेक्ट का टॉपिक मतलब डिसाइड करना होता है, अपने जो गाइड आपके जो प्रोफेसर गाइड है उनको दिखाना होता है, अगर वो उसको ओके कर देते हैं तो फिर आपका स्टार्ट हो जाता है। अभी प्रोजेक्ट कुछ ऐसा रहता है कि मतलब पेपर वर्क ही होता है कि आपका करना जो रिसर्च पेपर्स हैं वो आपको रीड करने होते हैं बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड, उसका कंक्लूजन आपको मतलब एक बेसिकली रिपोर्ट फाइल बनानी होती है, उसमें फिर ऐसा रहता है। अच्छा फिर एक क्वेश्चन आता है कि कितनी परसेंटेज रहती है बच्चों की, कितने मार्क्स तक मिल जाते हैं, ड्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने आईआईटी जैसे सुनी होगी, आईआईटी वाली वीडियो में विशाल ने बताया था कि जो आईआईटीज में क्या होता है आपका जो ग्रेड रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, सीजीपीए काइंड ऑफ जो होता है तो बहुत अच्छा रहता है परसेंटाइज, बट यहाँ पर तो मार्क्स लेना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि मतलब कितने रहते हैं, तो ऐसा है कि ये लगा लो कि मैक्सिमम केसेस में 55-65% तक मार्क्स रहते हैं, और अगर हम बात करें 70-80 के बीच में तो 75 तक ठीक है पहुंच जाते हैं, बट 75 से लेके अगर आप बात करते हो 75-80% के बीच की तो बहुत ही कम बच्चे देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम। ये लगा लो 270 का एडमिशन है, 10-12 बच्चों के ज्यादा ही बोल रही हूँ शायद, ये इतने बच्चों के मार्क्स 75 क्रॉस करते हैं, अदरवाइज ऐसे 65-70 और 60 ऐसे मार्क्स रहते हैं, तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। क्योंकि लैब में भी क्या होता है आपका 150 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स हैं एक सेमेस्टर के लिए, तो उसमें से हाईएस्ट मिलते हैं 110 मार्क्स, 110-111 इतने मिलते हैं, और बस इतना ही रहता है। 40 नंबर तो नहीं चलेंगे तो ऐसे परसेंटेज नहीं बन पाती है। ऐसे जो आपका लास्ट सेमेस्टर प्रोजेक्ट रहता है 100 मार्क्स का, उसमें भी 78-79 मिलते हैं मार्क्स, इस तरह के आपको मिलते हैं। तो ये सब हो गया, तो ये सारी बात हमने पढ़ाई से रिलेटेड कर ली। अब हमें करना है नेक्स्ट, हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। तो जो लोग डीयू से हैं, जिनकी बीएससी डीयू से है, या फिर जिन्होंने मतलब जो ऑलरेडी डीयू में पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, तो उनको पता होगा कि हमारे कॉलेजेस में बहुत सारी सोसाइटीज होती थी, है ना, तो डेली डेली कुछ ना कुछ इवेंट चलती रहती थी, डिपार्टमेंट का फेस्ट होता था और ऐसे इलेक्शंस होते थे। सबसे बड़ा हेडेक ये था कि इलेक्शंस होते थे, कैंपेनिंग चलती रहती थी, बट यहाँ पर क्या है कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा होगा डिपार्टमेंट से मतलब साइंस वगैरह थे उससे बाहर कुछ स्ट्राइक चलती रहेंगी बच्चों की, और मतलब इलेक्शन की कैंपेनिंग चलती रहेगी, अंदर तक कुछ आवाज भी नहीं आती, मतलब कोई आवाज आती है अंदर, और ना ही कुछ ऐसे होने वाला है कि आपको मतलब कैंपेनिंग के लिए अंदर आने पे अलाउड नहीं है। तो कोई इलेक्शंस, कोई कंपटीशन कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका जो मेन फोकस रहता है वो आपके कॉन्सेप्ट पे, सिलेबस पे, लैब वर्क पे सबसे ज्यादा, और रिसर्च पे फोकस रहता है। और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, तो जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हो यहाँ पर, ये सारी फ्लैश शो की है। एक फ्लैश शो होता है 10th-15th February के आसपास, फ्लैश शो होता है जिसमें बेसिकली होता है ये डिपार्टमेंट बहुत ही सुंदर है, वहां पर बहुत सारे फ्लैट्स मतलब वो क्या करते हैं लगाते हैं, और जो नॉर्थ कैंपस में ना उसकी जितनी नॉर्थ कैंपस में जो आसपास कॉलेजेस हैं उनके फ्लैट्स को वहां पर लेके आया जाता है डिपार्टमेंट में, और उसके बाद भी मतलब बच्चे उसे देख सकते हैं, मतलब उसको आराम से सब लोग देख मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो फ्लैश शो बहुत ही अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि जो मुगल गार्डन आपने देखा होगा दिल्ली में उससे आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लैट्स वहां पर होते हैं, पिक्चर्स में आपको आइडिया मिल ही गया होगा। और इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे फ्रेशर्स होती है, जब आप ज्वाइन करते हो एम्स में जाते हो तो एक फ्रेशर्स पार्टी तो होती है ऑफिशियल, उसके बाद फेयरवेल ऑफिशियल अनऑफिशियल को चल जाती है, इस तरह का होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह इलेक्शन वाला पंगा ही नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी होती है, मतलब बाहर के डेलीगेट्स आते हैं उनको मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में मतलब बच्चों को भी दिखाया जाता है, वहां पर उनका वर्क को अपना डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, तो इस तरह का इंटरेक्शन का भी बहुत अच्छा चांस आपको मिलता है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं प्लेसमेंट्स और सब चीजों की, उससे पहले मेरे कुछ फ्रेंड्स की क्लिप, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू डीयू के बारे में वो रिकॉर्ड करवाया, आप वो देख सकते हो। हे एवरीवन, दिस इज अनिशा बरवा, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम डीयू, आई एम अ 2018 पास आउट, एंड माय एक्सपीरियंस इन मास्टर्स इन डीयू हैज बीन ग्रेट, बिकॉज यू नो व्हेन वी आर डूइंग आवर बीएससी वी फील दैट देयर आर सर्टेन लिंक्स, सर्टेन इन्फॉर्मेशन व्हिच इज मिसिंग, and the syllabus for masters in DU is just justifying those links because they help you understand all those missing concepts. And moreover, I had great fun during the practicals because they focus a lot on your practicals, especially during my specialization year, which was my specialization was in organic chemistry. So I had a lot of new information and experiences coming to me because they throw you with new tasks every day. You know, the organic chemistry lab is really great because we learn a lot of things. I learned a lot of things there. And also to mention the subsidized canteen where we used to rush for lunch, you know, it's really good. And not to forget, you know, the teaching faculty
which is really good. They are really helpful. They help you come out of your comfortable shells and, you know, explore yourself, explore your limits, you know, push your limits. And all in all, it was a great experience. Hello everyone, my name is Vipin Yadav. I had done my BSc and MSc from Delhi University, and it was the best part of my life till now, I must say. जो एक्सपीरियंस आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलता है और स्पेशली एमएससी में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो 300 बच्चों की होती है और आपको एक दूसरे के आइडियाज़ या उनसे सीखने को बहुत मिलता है, जो और किसी यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ बहुत कम की होती है। अगर आप किसी भी IITs की बात कीजिए तो वहाँ पर स्ट्रेंथ इतना पॉसिबल ही नहीं है, और किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं। यहाँ पे 300 के आसपास स्ट्रेंथ होती है, एंड हर कोई सिर्फ PhD की बात नहीं करता और UPSC की भी बात करता है, या कोई टीचिंग की बात करता है इन कोचिंग इंडस्ट्री। मीन्स हर किसी का अपना अलग पर्सपेक्टिव है और आपको उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो स्पेशली जो क्राउड है या जो स्टूडेंट्स है, वो बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, उनसे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। इसलिए आई मस्ट से डीयू इज बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह। आई हैव कंप्लीटेड माय MSc इन 2018 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं यहाँ पर हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, कंपटीशन का माहौल था, और लैब वर्क जो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, दैट वाज वेरी ग्रेट। तो अभी बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो DU की प्लेसमेंट सेल कितनी एक्टिव है, अगर आपको ये पता करना है कि प्लेसमेंट होती है या नहीं होती, तो देखो ऐसा है, मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्पेशलाइजेशन कैसे रहता है उसमें ज्यादा नहीं आती है, बट मुझे ऑर्गेनिक का पता है, वहां पे ज्यादा रहता है, तो प्लेसमेंट है वो ऑर्गेनिक वाले बच्चों की थोड़ी ज्यादा आती है। जैसे आप जो कंपनी जैसे टेवा, SRF, ई वैल्यू, सब ये वाली कंपनीज जो मुझे अभी मतलब जितना हमें पता लगा पाई, नाम बिल्कुल भूल गए थे, आसपास से पता किया है, ये वाली कंपनीज हमारे टाइम पे आई थी। तो अभी क्या होता है, इनका सिलेक्शन भी ऐसा रहता है कि ऑर्गेनिक वाले बच्चों की तीन हुई, जो टेवा हो गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ऐसी SRF मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें टेक्सटाइल वगैरह का ज्यादा काम होता है, ऐसे ही वैल्यू सर्व है। तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि वो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन या फिर थोड़े बहुत जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसके बाद 5 to 6 to 7 जितने स्टूडेंट्स उनको लेने होते हैं उतने मतलब वो ले लेते हैं। और ऐसे जैसे आकाश यहाँ पे गया है, आकाश इंस्टीट्यूट जो है नीट और JEE के लिए जो इंस्टीट्यूट बहुत पॉपुलर आपको पता ही होगा, तो उसके थ्रू मतलब वो आते हैं रिक्रूट करने के लिए DU के स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली उनको एक डेट दे देते हैं किस डेट को आपका टेस्ट होने वाला है, जो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उसके बाद डेमो क्लास मतलब डेमो लेते हैं उनका पहले, फिर उनको फाइनल करते हैं, तो इंटरव्यू वगैरह लेके इस तरह से होता है। देन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, वहां से भी रिक्रूटमेंट के लिए आए थे, मतलब डायरेक्टली MSc पास स्टूडेंट्स को मतलब अपने स्कूल्स में अपॉइंट करने के लिए आए थे। तो इतना रहा था। अब बात करते हैं नेटवर्क गेट की। जो सिलेबस मैंने आपको डिटेल में बताया वो इसलिए बताया था कि आपने देखा होगा कि जितना सिलेबस है ना वो स्ट्रिक्टली बेस्ड है नेट के सिलेबस पे। तो अगर आप सेमेस्टर एक सांस में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हो, तो नेट एग्जाम निकालना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा DU के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नेट निकालते हैं, ऐसा होता है फर्स्ट सेमेस्टर में JRM ले आते हैं, सेकंड में, थर्ड में, तो ऐसे होता है कि मतलब बहुत बच्चे निकालते हैं। तो ऐसा रहता है क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है, अगर आप सिलेबस को भी सीरियसली ले तो काफी सारा पोर्शन आपका कवर वहां पे हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक और बात है कि क्या हमें नेट और गेट को प्रिपेयर करने के लिए इतना टाइम मिल पाता है वहां पर, तो बिल्कुल नहीं मिल पाता, टाइम खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें क्लासेस सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो गई और शाम को 5:30 बजे तक क्लास चल रही है। और मतलब ऐसा है कि डेली डेली इतना लंबा ही चलता क्लास, मतलब बेसिकली ऐसा है कि सुबह 9 बजे से लेके 12:30 तक आपकी क्लास है, 12:30 to 1:30 मतलब ब्रेक है, लंच ब्रेक, खाना खाना है, जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, बट 1:30 आपको लैब में फिर रिपोर्ट करना है। तो इस तरह से होता है कि 1:30 से लेके 5:30 तक आपकी लैब रहती है, तो आप देख लो 9 to 5:30 पूरा पैक्ड एकदम, तो ऐसा रहता है। बट 5:30 कहने के लिए अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन, तो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता था कि 5:30 बजे जो प्रोफेसर है वो लोग निकल गए हैं टाइम पे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर है वो तभी जाएंगे जब हम वहां से निकलेंगे। तो ऐसा रहता है, वो बोलते हैं बच्चे बस टाइम हो गया अब जाओ, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैम हमें काम करना है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब नेक्स्ट डे आएंगे तो हमें फाइल वहां पे रखनी ही है, फाइल में जो प्रोडक्ट हमारा आया वो हमें दिखाना है,
अटेंडेंस मार्क करते टाइम टीचर बुला के बोलते हैं देखो फाइल कलर का काम दिखाना है, मतलब वहां पर फाइल रखनी है, सबमिट करनी है, तो वहां पे प्रोडक्ट भी दिखाना है, उसको क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट भी दिखाना है, जो अनन कंपाउंड मिला है वो भी प्रिंसिपल दिखाना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैम नहीं हमें काम करना है, 5:30 बज गए 6:15 हो गए, तो ये सब भी चलता रहता था। तो टाइम का इश्यू तो है, टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना, बट आपको मैनेज करना थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं पीएचडी अब्रॉड की, तो ऐसा है कि वहां पे दिए जो प्रोफेसर्स हैं उनके जो क्वालिफिकेशन होते हैं आप जनरली देखोगे, अगर आप साइट पे जाकर चेक करते हो तो जो उनकी जनरली पीएचडी पोस्टों जो होती है वो जनरली वो फॉरेन कंट्रीज से ही करके आए हुए हैं, तो उनके ना कॉन्टेक्ट होते हैं हर प्रोफेसर के अलग अलग कंट्रीज में। तो क्या होता है, मतलब आपको पता है कि अगर आपको अब्रॉड से पीएचडी करनी होती है तो आपका रिकॉर्ड जो है एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 2 या 3 प्रोफेसर से रिकमेंडेशन चाहिए होती है। और अगर आप किसी प्रोफेसर के टच में, उन्होंने दिखा है आपके काम को, आप सिंसियरली काम करते हो लैब में, आपका स्कोर अच्छा है, या फिर ड्यू से इंटर्नशिप भी होती है, आप समर इंटर्नशिप कर सकते हो, समर ब्रेक जो होता है जून मई जून में उस टाइम पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, तो इस तरह का जो है आपको पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा मिलता है, तो फिर ये हो सकता है कि आपको प्रोफेसर रिकमेंड भी कर देते हैं अगर आपका काम अच्छा रहता है, तो ये वाले प्लस पॉइंट होते हैं कि आप रिकमेंडेशन से वहां पर जा सकते हो। ऐसा भी नहीं है, प्रोफेसर खुद बताते थे कि वहां पर मतलब इस वाली कंट्री में पीएचडी के लिए सीट्स हैं, अगर आप चाहो, अगर आपका रिकॉर्ड, तो हम हेल्प कर सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी मैंने, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो नेगेटिव का देखो ऐसा ही है, मतलब अपना मेरा खुद का व्यू पॉइंट है, ऐसा नहीं बोल रही सबके लिए ऐसा ही है, तो बस ऐसा लगता था कभी कभी कि जैसे लैब तो बहुत ज्यादा होती है, और मुझे ना लैब्स बहुत पसंद है, मतलब मैं हमेशा थियोरी क्लासेस मिस कर देती, पर मैं लैब मिस नहीं करती थी कभी भी, तो लैब्स मुझे बहुत पसंद है, सारा काम भी करना बहुत अच्छा लगता था, पर जो सबसे बड़ा हेडेक था ना वो ये था कि काम तो कर लिया, जाके वो फाइल लिखनी है, मतलब उसमें आपको एक्सपेरिमेंट केमिकल्स यूज ये सारा कुछ लिखना है, आपको प्रोसीजर भी लिखना है, तो सिर्फ ये वाला थोड़ा लगता था कि फाइल्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे लगता है आईआईटीज में अच्छा है, एटलीस्ट फाइल ही बनानी होती, काम वो भी करते हैं, काम हम भी कर रहे हैं, बट उनको फाइल नहीं बनानी होती, तो ये वाला पार्ट है। बट इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि जितनी अच्छी फाइल डीयू के स्टूडेंट्स की होती है आप देखोगे आपको लगेगा काम सच में किया हुआ है, तो इस तरह से होता है, तो अच्छा भी है, बट कभी कभी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, जैसे आईआईटीज में होता है डीयू में भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से लगता है, बट आपको यस फाइल बनानी बहुत अच्छे से आ जाती है, अगर आप किसी सीएसआईआर नेटवर्क पेपर निकाल के किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो वहां पर, तो वो एक लगेगा कि हाँ फाइल आप बहुत अच्छी बनवा लोगे। उसके बाद बात करते हैं अटेंडेंस की, क्योंकि अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं तो जाना पड़ता है, तो अटेंडेंस का कभी कभी लगता है कि क्या है, क्योंकि क्या होता है अटेंडेंस के मार्क्स है, चलो मार्क्स अगर हम छोड़ भी दें फिर भी प्रोफेसर्स ना बहुत सीरियस रहते हैं अटेंडेंस को लेकर आपकी, तो ये वो खुद आ रहे हैं अटेंडेंस ले रहे हैं, को पढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता है जब हम रिसर्च के साथ साथ, वो खुद भी किसी रिसर्च में इन्वॉल्व है, उनको लगता है कि हम रिसर्च के साथ साथ आपको पढ़ा पा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं आते क्लास में, तो इससे ऐसे है, तो मैं किसी नजर में आ गई ना किसी प्रोफेसर की एब्सेंट फिर लगा देते हैं वो क्लास, तो ऐसा होता है, तो प्रोफेसर काफी सीरियस रहते हैं। तो बस यही सब है, आई होप मैंने काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे, अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।